पेनहिमनी। मैं हूँ हेमंत और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो नंबर 213 है उसका टाइटल है गैदर्ड वर्सेस स्कैटर्ड। जैसे मैंने पहले एक कहता था वीडियो अभी का पोस्ट के हिसाब से कि एवर मैग्नीफाइंग वर्सेस एवर एक्सपांडिंग, जिसमें पेनहिमनी की जो है बियॉन्डिटी वो मैग्निफाइंग है और बाकी के सब जो है बियॉन्डिजम्स वो सब खाली एक्सपांडिंग है। वैसे ही वो जो एक्सपांडिंग वाले जो बियॉन्डिजम्स है तो उसमें भी एक खास बात है कि सिर्फ डीए मतलब डिक्रीटिव डिग्नी का जो बियॉन्डिज्म है वो गैदर्ड बियॉन्डिज्म है, क्योंकि वो एक ही वैक्यूम के अंदर है डिक्रेटिव जो फेमिनिस्फियर होलो के अंदर है और बाद में जो भी उनके स्फीयर से डीएम के बाद स्फीयर्स के हॉलोस के अंदर जाने की वजह से बाकी के जो भी बियॉन्डिज्म वो पूरे स्कैटर होते जा रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब कि और स्कैटर हो जाए और स्कैटर। तो ये फर्क है यहाँ पर कि बाकी के जो सब सब कुछ मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेनहिमनी एंड बाकी के सब, तो वो बाकी के सब में भी डिक्रीटिव म्यूग्नि का एक खास स्थान है क्योंकि वो गैदर्ड है और बाकी के सब स्वाभाविक रूप से बिखरते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, सिर्फ फैलते नहीं बिखरते जा रहे हैं स्कैटर। तो ये एक था वीडियो, एक बस अभी एक साधक का फोन आया था तो एक पॉइंट उन्होंने जो किया कि ऐसा ऐसा है थोड़ी यस, तो मैंने तुरंत ये टॉपिक पर एक वीडियो बनाया कि ये भी एक टॉपिक है कि गैदर और स्कैटर्ड। थैंक यू पेनहिमनी।